नमस्कार, आप देख रहे हैं केबल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जमकर वायरल हो रही है। हो सकता है कि वो आपके पास भी आई हो और उससे आपने भी अपने किसी सगे संबंधी के साथ या फिर अपने किसी सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया हो, लेकिन अब उसे शेयर करने से पहले सावधान हो जाएं, क्योंकि आपको ऐसा करना भारी पड़ सकता है या यूं कहें कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि एक छोटी सी भ्रामक सूचना समाज को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है या फिर सरकार के खिलाफ जनता को भड़का सकती है। और जो पोस्ट वायरल हो रहा है वो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि वो खबर तो ठीक है लेकिन जिन दावों के साथ इसे पोस्ट किया जा रहा है उनमें झोल है। जी हां, सोशल मीडिया पर योगी सरकार से जुड़ा एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि यूपी में 50 साल की उम्र पार कर चुके सभी विभाग के कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया जाएगा। इस खबर को कई वेबसाइट ने भी छापा है। हर कोई इस खबर को देखकर चौंक रहा है और चौंकना भी लाजमी है कि 50 साल की उम्र में सरकारी कर्मचारियों को रिटायर करने का फैसला योगी सरकार ने किस आधार पर लिया है। लेकिन जैसे ही इस खबर पर योगी सरकार की नजर पड़ी तो उसने तुरंत एक्शन लेते हुए इस पोस्ट को भ्रामक करार दिया और इसका खंडन किया है। सरकार ने साफ किया है कि 50 साल की उम्र में रिटायर करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है, साथ ही जिन्होंने ये फेक खबर फैलाई है उन पर कार्रवाई करने का आदेश दिए गए। यूपी सरकार की फैक्ट चेकिंग टीम इंफो उत्तर प्रदेश फैक्ट चेक ने अपने ट्विटर हैंडल से भ्रामक पोस्ट की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि यूपी सरकार की ओर से 50 साल की उम्र में रिटायर करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। कर्मचारी नियम अनुसार सेवा पूर्ण होने पर ही रिटायर होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही खबर फेक है और ऐसी खबरों का प्रसार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब यह भी जान लीजिए कि जिस पोस्ट को अलग दावों के साथ शेयर किया जा रहा है उसके पीछे की असल सच्चाई क्या है और ये पोस्ट किस खबर से मिलती जुलती है जिसके बाद इसे अलग रंग दिया गया। दरअसल हाल ही में योगी सरकार ने यूपी के पुलिस महकमे में 50 की उम्र पार करने वाले दागी पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर करने के आदेश दिए हैं। डीजी मुख्यालय ने चारों कमिश्नरेट समेत सभी जिलों के पुलिस प्रभारियों और इकाइयों के प्रभारियों से ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची तैयार कर 30 नवंबर तक मुख्यालय को भेजने को कहा है। लेकिन कुछ अफवाहबाजों ने इस खबर को तोड़ मरोड़ कर सूबे के सारे सरकारी कर्मचारियों से जोड़कर पेश कर दिया, जिसका अब खुद सरकार ने भी खंडन कर दिया है। इसीलिए आप भी सावधान रहें, इस तरह खबर को शेयर करने से पहले जरूर जांच परख लें। देखते रहिए केबल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।